सोचो अगर आने वाले दिनों में आप कटरा वैष्णो देवी आ रहे हैं तो घर बैठे ही आपको रुकने की व्यवस्था जो है सही जानकारी के साथ मिल जाए तो कैसा लगेगा। तो चलो आज भी मैं कटरा वैष्णो देवी में एक बजट होटल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिस होटल में लगभग डबल बेड के भी कमरे हैं, ट्रिपल बेड के भी हैं और फोर बेड के भी कमरे हैं। एक एक करके सारी जानकारियाँ दूंगा मैं कि इस होटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, होटल की लोकेशन क्या है, कमरे कैसे हैं, बाथरूम कैसे हैं, सारी जानकारी। पहले वीडियो को पूरा देखना अंत तक, उसके बाद अगर आप आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, कटरा आ रहे हैं, तो दिए गए नंबरों पर कम से कम 10-5 दिन पहले बुकिंग आप करवा सकते हैं। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं अपने डबल बेड के कमरे से, यानी दो लोगों के लिए जो कमरा होता है अटैच बाथरूम वाले कमरे के। एक बजट होटल है, मिनिमम आप जो है यहाँ पर पैसे देकर रह सकते हैं। तो फिलहाल डबल बेड का रूम देख लो, बहुत ही एक एम्पल स्पेस है और बहुत ही नीट एंड क्लीन भी है, ठीक है। ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हाई फाई, लेकिन रहने के लिए बिल्कुल अच्छा बजट टाइप होटल है। सुविधाओं की बात करूँ, एसी लगा हुआ है, एसी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी तो 24 आवर मिलेगी, वाईफाई की सुविधा होटल के अंदर है, अटैच बाथरूम रूम के अंदर है। अब देखो भाई, दो लोगों के लिए तो इससे ज़्यादा और क्या ज़रूरत है, ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था आप बस एक सिंगल फ़ोन से अपने होटल में जितना भी एम्प्लॉय रहता है वो आपको सर्विस दे देगा। ये भाई, अब चलते हैं हम फोर बेड की तरफ। फोर बेड का रूम यानी कम से कम 4 या 6 लोग आराम के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, आराम के साथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसे तो अंडर रूल 4 ही होते हैं, बट आप 6 लोग एक ही कमरे के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। ये आ गया डबल बेड का। इसके साथ में ऐसा ही सामने वाला बेड आप लोग देख सकते हैं, ये आ गया फोर बेड कमरा। तो फोर बेड में लगभग 6 लोग रह सकते हैं। खाना पीने की व्यवस्था जो है, टेबल देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, सामान रखने की व्यवस्था सब इस होटल में, ठीक है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं, कटरा का जो मेन चौक है, बस स्टैंड है, मेन चौक जो वाटर फाउंटेन है, आपने मनोरंजन का नाम सुना होगा, मनोरंजन वैष्णो ढाबा, और मनोरंजन गली में एक पूजा पैलेस होटल है, ये उसी की वीडियो है, ठीक है। मैं आप लोगों को हर वो जानकारी देता हूँ। बाथरूम के अंदर नीट एंड क्लीन बाथरूम है, उसके साथ गीज़र की फैसिलिटी है, यानी पानी गर्म की सुविधा आपको 12 महीने मिलेगी, और इसके साथ साथ आराम के साथ आप रह सकते हैं। इस होटल की बात करूँ तो बहुत ही एक प्राइम लोकेशन पे, यहाँ से आपको ऑटो की सर्विस मिल जाएगी, यहाँ से आपको यात्रा पर्ची की सुविधा मिल जाएगी, यहाँ से आपको मार्केट बहुत बिल्कुल फ्रंट पे है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं साथियों, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं हैं, मार्केट एक्सप्लोर करने की आसपास हैं, सामान आप जितना भी लैगेज बैग वगैरह हैं तो आप लोग रख सकते हैं बड़े आराम के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप साथियों बुक करना चाहते हैं इस होटल को या फिर इस कमरे को, तो आप लोग कम से कम 10 दिन पहले ही अपनी सही जानकारी दीजिए, क्योंकि आप अगर सही जानकारी दोगे तो बुकिंग में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, जानकारी क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप चेक इन, होटल चेक इन कब कर रहे हैं, कौन सी डेट में कर रहे हैं, और फिर कितने रूम आपको चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस होटल के अंदर डबल बेड रूम है, ट्रिपल बेड हैं, फोर बेड हैं, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, यानी आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप रूम बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे तो होटल प्रबंधक ने यह बताया है कि 12 बजे जो है चेक इन टाइम रहता है और चेकआउट भी 12 बजे रहता है, बट फिर भी आधा घंटा ऊपर नीचे जो है सब्जेक्ट टू एबिलिटी के हिसाब से हम रूम जो है प्रोवाइड करते हैं। ये आ गया होटल का रिसेप्शन एरिया, यहाँ पर जो है आप लोग बैठ भी सकते हैं, बुकिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी है तो आप लोग पूछ सकते हैं होटल के एम्प्लॉयर के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बुकिंग के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करो, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद, जय माता दी, फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ।